सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और फिलहाल है उचाणा के छत्र गांव में। छत्र पूरा बड़ा गांव है भाई उचाणा विधानसभा का, क्योंकि अगर छत्र सबके खातर, लेकिन इनकी बढ़िया चुनाव में छत्र किसके खातर होगा वो पूछेंगे। आड़ छत्र के कुछ लोग बैठे हैं तो इनसे पूछेंगे भी किस प्रकार की आवाज चल रही है, किस प्रकार का माहौल है। क्योंकि अगर उचाणा हल्के की अगर बात करें तो लोगों को समझ में नहीं आ रही कि चल के रहा है। तो आज हमारे गिला छत्र गांव के कुछ लोग हैं तो उनसे पूछेंगे। ताई ठीक होगी, ठीक से राम राम जी। क्या नाम है? सुरेंद्र जी। आड़े थे छत्र? हाँ छत्र। तो छत्र की अगर बात करा देखो, छत्र गांव बड़ा है, बड़े बड़े गांव जिन्हें जिन जिन्हें भी झुक जाए ना तो उन्हें पासा पलट जाए। अगर है तो छत्र गांव में किसा माहौल चल रहा है? माहौल जी छत्र में बढ़िया चल रहा है जी। छत्र का माहौल अब की बार जी शायद कांग्रेस की साइड झुक जाए। अच्छा, पलड़ा कांग्रेस का बारी दिखा जी छत्र में माहौल ना देखा। देखो जी उचाणा की अगर बात करे ना तो बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, निर्दलीय भी है। तो मतलब लोगों को कितना कितना पूछा है ना तो लोग ने सोचा है भी किसकी देवे किसकी देवे, कंफ्यूज हो रहे हैं ना। छत्र ना कांग्रेस तो पहला तो कदे नहीं वोट दिए जे, इब लहर इसी चल रही है कि बीजेपी रानी है। बस बीजेपी ना रान खतर थोड़ा रुझान कांग्रेस की तरफ है रहा, कांग्रेस की तरफ है। हां जी। अच्छा, तो मतलब छत्र में कितनी वोट है? छत्र में हजी 9800 समथिंग वोट है, 10000 मान लो आप। अच्छा, पोलिंग कितनी हुआ? पोलिंग जी 7800-8000 तो जाओगी पोलिंग। तो मतलब अगर बात करें 7800 में तो कितनी कांग्रेस में जाओगी, कितनी बाकी उसमें जाओगी? अंदाजा है तो जी यू चल रहा है मेरे हिसाब से जी 60% में कांग्रेस रह सकता है, प्लस हो जाएगी, इससे कम तो नहीं रहेगी। माहौल ने देखा तो लोगों का जी। और आवाज सुना तो न्यूट्रल वोटर है वो भी आए बात को, बीजेपी रानी है, वोट खराब नहीं करते। मैं जो बी टीम खड़ी है बीजेपी की या जो वोट काटू खड़े हैं, वोट खराब करने खातिर खड़े हैं, वे वोट खराब नहीं करते, वोट न गेड़ांगे जो बीजेपी ने रह देगा। मतलब लड़ाई बीजेपी की? हाँ बीजेपी की। या एक मिनट, राम राम जी। राम राम जी, बताओ क्या नाम है जी आपका? कैलाश नाम है जी। कैलाश, देखो आप युवा हो तो अगर युवा की बात करें ना और तभी पूछांगे तो युवा की चाह रहा है? युवा चाहे जी के बदलाव और बदला जी, क्योंकि 10 साल बीजेपी के लिए रह के देख लिया, वो 10 साल का बदलाव भी चाहिए और बदला भी चाहिए जी। क्योंकि हमने देखा है लठ भी खाए हैं सर्दिया में, हमने भी खाए हैं, हमारे बुढ़ा ने भी खाए हैं जी। बाकी बीजेपी ने जो कर दिया उसका बदला चाहिए जी हमने, पहले तो बीजेपी से। और बदलाव तो पूरा हरियाणा चाहे जी, अब की बार कहीं ना कहीं ये एजेंडे बना रखे हैं बीजेपी ने, ये कैंडिडेट खराब है, ये बागी है, ये भगोड़ा है। हमने किसी कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे किसी दूसरी पार्टी का हो, जिसका पलड़ा भारी होगा हम उसके साथ हैं जी, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ जी, मतलब ये नीत है चाहे वो निर्दलीय हो बीजेपी के खिलाफ। निर्दलीय भी देखा जाओ जी, कैंडिडेट देखा जाओगा निर्दलीय भी, ये भी एक वीरेंद्र गोगड़ी वाला भी अंडा है, पंचायत करता अंडा है, तीसरा दिन मारा काम ही पंचायत करे है, तो वो बीजेपी ने खड़ा करके आओ, तो पैसे दे रखे हैं बीजेपी ने, 10 करोड़ रुपए दे रखे हैं बीजेपी ने, खड़ा कर दिया, बोले कांग्रेस के वोट काटो। देखो जी एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि बीजेपी ने खड़ा कर दिया, लेकिन अगर आज तक का मतलब देखा तो लोगों पर भी सुना है, खुद उन्होंने भी बताया कि 25 साल तो उन्होंने कांग्रेस में संघर्ष कराया है वीरेंद्र गोगड़िया ने। ना जी ना ना, वीरेंद्र गोगड़िया चेयरमैन बना था बीजेपी के कार्यकाल में बना था, उसके बाद वो पैसा हो गया, उस पर कहाँ से आया ये तो सबको पता है। पैसा होने के बाद वो कहे मैं टिकट ले आऊंगा कांग्रेस की, वो ले आता हम उसके साथ थे, अगर वो टिकट ले आता तो इब तो वो बीजेपी के पक्ष में वोट काटेगा और कुछ नहीं। मतलब आपका ये है कि जो बीजेपी ना रहा होगा उसने वोट, हम बीजेपी को हराने वाले के साथ हैं जी। और कहीं ना कहीं हल्के में रुझान ये है कि बीजेपी को कांग्रेस का कैंडिडेट हरा सकता है, इसलिए हम उसके साथ हैं जी। तो राम राम है तो इन्हें तो बता दी, ये तो नए नए बालक है, आप भी बता दो। आप क्या बताओ बेबी, इनका कोई तुक नहीं है, ये सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े। तऊ नाम के है? जगन्नाथ। जगन्नाथ तो तऊ आदमी देख कर वोट दोगे, काम देख कर वोट दोगे, पार्टी देख कर वोट दोगे, क्यों कर दोगे? पार्टी देख कर, पार्टी देख कर वोट दोगे। तऊ राम राम है? राम राम। क्या नाम है तऊ? शमशेर जी। कितनी उम्र होगी तऊ? होगी 57 की। वो अड़े के होगे? 76 के। हां 76 के। हां जी। तो तऊ के लग गए की बार है? इबकी बार तो इसे का माहौल लग गया है कांग्रेस का जी। कांग्रेस का लग गया है? अच्छा, तो मतलब इस मैं अगर छत्र गांव की बात कर रहा है तो छत्र गांव में कितना माहौल है? और छत्र गांव में जीत से, जीत से छत्र गांव में।
राम राम जी। भाई मैं ताऊ कह दूं सारे ना, क्योंकि एक बात है अपना हरियाणा में है ना, एक ताऊ हुआ है अभी सीधा कह दे ताऊ, एक भाई कमेंट करके नु कहता कक्का भी कह दिया करेगा दीवे। राम राम जी। राम राम जी। के नाम है? बलजीत है जी। बलजीत है। हां जी। तो बलजीत जी आप भी छात्र थे हो? हां जी छात्र थे जी। तो छात्र सबके खातिर है कि एक का खातिर होगा? सबके खातिर हुआ है जी। अच्छा। पहला एनएलडी खातिर था, अब के बार कांग्रेस खातिर हो रहा है जी छात्र। क्षेत्रवाद किया जो उन्होंने, जातिवाद किया है, भेदभाव किया जी, एक जातिवाद का जहर घोल दिया ना, भाईचारा था जो अपने हरियाणा का वो सब अलग अलग कर दिया उन्होंने जी। तो इसलिए हम इसको सरकार को बाहर करना चाहते हैं सत्ता से और कांग्रेस को लाना चाहते हैं इसकी बार। एक मिनट उस तो, राम राम जी। राम राम जी। आपकी बारी भी आओ, मेरा आप देखो जी। आप भी बता दो अपने मन की बात है। मैं तो किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ जी। हमने कसम खा रखी है जो बीजेपी को रहेगा उसको वोट देंगे जी। और तो, यहाँ पर पहले इनेलो का जेजेपी का गढ़ रहा है ये काम, अब की बार कांग्रेस को जिता के भेजेगा, 70% वोट कांग्रेस को मिलेंगे। देखो जी आप कह रहे हो कि आप किसान आंदोलन से जुड़े रहे हो, लेकिन अगर जिस कैंडिडेट की अगर आप बात कर रहे हो तो वो भी पिछली बार बीजेपी में था। फिर पिछली बार बीजेपी में रहा होगा ना, उससे पहले भी तो कांग्रेस में था। वो कैंडिडेट भी आया था जी हमारे गांव में वोट मांगने के। एक मिनट जी। वो कैंडिडेट पहले भी आया था हमारे गांव में, तो गांव वाले ने एक के बाद कह दी थी हाथ जोड़ के, भाई या तो बीजेपी छोड़ दे या हमारे गांव में बढ़ना छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं उसने हमारी भावना समझी है, उसने बीजेपी छोड़ दी, इसलिए बीजेपी छोड़ बिल्कुल वो हमारे समर्थन में मैदान में आया बीजेपी से त्याग पत्र दे के। उसने खुद बोली है मैं बीजेपी छोड़ आया, ईब गांव मेरा साथ देगा कि नहीं। हम तो उसकी जगह कोई और कैंडिडेट होता तो उसका साथ देते जी। उसने हमारी बात का मान रखा है, हम उसके साथ तय दिल से हैं जी। तो छत्र वाले साथ देंगे कि नहीं देंगे? तय दिल से उसके साथ हैं जी। वीरेंद्र गोगड़िया जी है, इमोशनल करा है लोगों ने, सारी रिश्तेदारी आ बैठे हैं उसकी। तो यो जो हमारे आसपास के 8-9 गांव में नहीं, यो ड्रामा तो आज तक 10 साल पहले देख लिया इन्हें। किसने करा था? था जी क्या ना ये इन जिला परिषद में यो ड्रामा देख रहे हैं इंटरेक्ट, तो क्या ना नाम लेवा किसी का पर्सनली। अच्छा। और तो ठीक को नहीं है, बाकी जो क्षेत्र का आसपास के 8-9 गांव है नहीं, इन पर तो देखो इसका इतना सराहना नहीं, क्योंकि इन्होंने बेरा भाई इमोशनल ब्लैकमेल। देखो राजनीति बिना पैसा का तो है ही नहीं, बिल्कुल सीधी बात है जी। और फिर MLA का इलेक्शन छोटा मोटा, चलो अगर पंचायती चुनाव है तो वह अलग बात है, इतना बड़ा इलेक्शन में अगर बंदा आवे नहीं राजनीति में तो फिर इवन यू थोड़ा है कि भाई उस तरह पैसा भी लोग दे देंगे, इलेक्शन भी दे लड़वा देंगे और वोट भी दे देंगे, यो काम तो भी देखो जी चलो लो चो कुछ कर लो। लोग तो शाने हो रहे हैं, किस्त देनी है किस्त नहीं देनी अपने आप देख लेंगे वह चीज। तो ये तो दिहाड़ी पे भेज रहे हैं जी वीरेंद्र गोगड़िया, तो दिहाड़ी पे लियाओगा 100-150 लेडीज। और ये बात न्यू नहीं कि हाँ मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ तो किसी पे भी कमेंट करूंगा, ये आपको विद प्रूफ दे सकता हूँ जी, वीडियो बना रखी है मैंने लेडीजों की, विद प्रूफ दे सकता हूँ जी। न्यू कहे नारे लगा ले ऊपर वीडियो बना है, मैंने वीडियो उसी टाइम बंद कर दी, नबली गला तो पड़वा लेंगे, जितने श्याम ने रुपये दे होगा उनकी दवाई आ जाएंगी। ये रही जी वीडियो, विद प्रूफ दे सकता हूँ जी मैं, हवा में तीर तो कोई भी छोड़ देगा, विद प्रूफ है जी। बाकी दर्शकों ने भी आप दिखा दो जी, वीडियो व्हाट्सएप कर दियो, हम लगा देंगे प्रॉपर में। बाकी भाई अगर भीड़ की अगर बात करें तो आज के टाइम में तो आपने बेरा होगा वही भीड़ उड़ा पहुंच गया है, चाहे कांग्रेस की रैली हो चाहे बीजेपी की रैली हो, वही भीड़ उड़ा पहुंच गया है, चाहे निर्दलीय की रैली हो तो वही भीड़ उड़ा पहुंच गया है। तो बाकी तो भीड़ वाले ने बेरा होगा वो क्यों कर जाओ है। वही देखो हम तो न्यू कहेंगे क्योंकि इलेक्शन तो आनी जानी चीज है, 5 साल में एक बार होगा, लेकिन यो भाईचारा है यो आड़े रहेगा, चाहे किसी गांव का हो चाहे आपस का हो चाहे पड़ोस का हो, लेकिन भाईचारा खराब मत करो। तो भाई आप के कहोगे, देखो इन्हें बहुत सारी बात बताई है, बहुत सारी चीज कही है, तो इन चीजों पर आपका के राय है जरूर बताइयो और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। बाकी उचाणा हल्के की अगर बात करें तो किस प्रकार का माहौल चल रहा है आज के टाइम की अगर बात करें तो उचाणा बिल्कुल हॉट सीट है, सबकी नजर इस पर बन रही है क्योंकि निर्दलीय भी कई सारे मैदान में है, राजघराने भी है, और आपने बेरा है कि किस प्रकार का माहौल चल रहा है तो आप जरूर बताइए। और चुनाव पूरी तेजी पकड़ रहा है क्योंकि जल्द ही 5-6 दिन बाकी रह गए हैं, फिर वोटिंग भी हो जाएगी और नतीजे भी जल्दी सामने होंगे, तो आप अपनी राय जरूर रख दियो, उसके बाद आपके गाँव में भी पहुंचेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।